हमारे पास एक रेडमी का नोट 8 का मोबाइल है जिसमें कि प्रॉब्लम है कि इसके लाइट नहीं जल रहा है। देख सकते हो तीसरा और चौथा पिन जो है वो हमारा कैथोड के लिए है। मल्टीमीटर को मैं लगा देता हूँ डायोड मोड पे। पासवर्ड मालूम नहीं है, हालांकि ये देख सकते हो फोन चालू हो गया। हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है बैक लाइट के ऊपर। हमारे पास एक रेडमी का नोट 8 का मोबाइल है जिसमें कि प्रॉब्लम है कि इसके लाइट नहीं जल रहा है, तो इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या ट्रेसिंग रहता है, क्या चीज़ का कैसे कैसे चेकिंग करेंगे आप। तो इसमें ग्राफिक आ रहा है और सिर्फ इसमें लाइट की ही प्रॉब्लम है, तो हम इसमें चेक करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे इसमें काम होगा। तो देखो ये जो आप देख सकते हो इधर के एरिया में जो आप देखोगे तो ये हमारा लाइट सेक्शन का ही पिन है। देखो ये जो हमारा एरिया में देख रही है लाइट सेक्शन का पिन है। जब भी हमें इसको चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक हम डायग्राम का सहारा लेते हैं यहाँ पे। हालांकि बैकलाइट प्रॉब्लम जो है वो डायग्राम के बगैर भी सॉल्व हो जाता है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बहुत लास्ट में डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा कि इसमें हम कैसे डायग्राम के थ्रू इसको चेक कर पाएंगे, कैसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है चलते हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर। आपको मल्टीमीटर को रखनी है डायोड मोड में। देखिए लाइट सेक्शन के लिए कितने पिन आते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आएंगे आपका एनोड पिन आएगा, दूसरा कैथोड आएगा, कैथोड 2 आएगा, और LCD PWM, यानी कि टोटल मिलाकर के हमारा 4 पिन होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं अगर हमारा कैथोड पिन जो है वो बॉल वाली आईसी के अंदर से आता है, यानी कि 6 पिन के आईसी नहीं होता है लाइट आईसी का, तो उसके अंदर जो है GR वो 400-500 के आसपास ही होना चाहिए। अगर वो 6 पिन का होता है तो वहाँ पे 0-0-10 तक होना चाहिए GR। उसके बाद रही बात एनोड पे, तो उस पर भी कम से कम 300 प्लस का GR होना चाहिए, और LCD PWM पे भी GR होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम एक बार मदरबोर्ड में जा कर के चेक करते हैं। देखिए मदरबोर्ड में जब भी हम चेक करेंगे यहाँ पर रिवर्स कंडीशन में रखनी है। आपको रेड वायर को जो है वो ग्राउंड पर रख लेनी है। हमने रेड वायर को रखा है ग्राउंड पे। उसके बाद यहाँ से हम अगर पिन गिनती करें तो 10वीं नंबर का पिन जो है वो हमारा CABC का पिन होगा। ये जो पिन देख रहे हैं ये CABC का है, जो कैथोड एनोड ब्राइटनेस कंट्रोल का होता है। उसके बाद जो हमारा इसमें देख सकते हो तीसरा और चौथा पिन जो है वो हमारा कैथोड के लिए है। इसमें हम ज़रा देखते हैं, देखिए तीसरा पे भी GR आ रहा है और इस पे भी GR आ रहा है, यानी कि हमारा कैथोड भी कनेक्टेड है। और यहाँ से हम एनोड पे ज़रा चेक करते हैं तो एनोड का लाइन अभी देखेंगे OL आ रहा है, तो OL का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। चलिए हम जरा इस कनेक्शन को एक बार डायग्राम के थ्रू समझ के देखते हैं। एक डायग्राम बना रखा हूँ दोस्तों। इस डायग्राम में मैं सबसे पहली बात करूँ तो ये जो आप पिन देख रहे हो, ये वाला पिन जो देख रहे हो LCD PWM है जिस पे हमने GR चेक किया। ये पिन जो है LCD IC से ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमने GR चेक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो देखते हो तीसरे और चौथे नंबर पर ये हमारा कैथोड है, यानी कि कैथोड 1 कैथोड 2 का लाइन आता है। उसके बाद ये जो पहला नंबर पर देख रहे हो ये हमारा जो है वो है एनोड का लाइन है। अब यहाँ पे एनोड का लाइन अगर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है लाइट इसकी जलेगा नहीं। तो हम इसमें ज़रा चेक करेंगे कि ये लाइन यहाँ तो GR नहीं है, क्या इसकी अगली लाइन पे कहीं GR है या नहीं है, ये चीज़ हम एक बार चेक करके देखते हैं। अगर हमारा यहाँ पे कहीं पे GR हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम इसको जंप कर देंगे यहाँ से, तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि इस आईसी को काम करने के लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बता देता हूं। कभी होता है कि आपका एनोड और कैथोड लाइन ओके होगा, उसके बाद भी आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए इस आईसी को जो है एक BPS सप्लाई आता है जो एक क्वाइल के थ्रू आता है, और ये क्वाइल जो है 10 UH का मिलेगा आपको।
और ये कॉइल आपको इस आईसी में मिलेगा और एक कॉइल जो है दूसरे साइड आईसी में मिलेगा, जो ये डायरेक्ट आएगा इस लाइन को हम बोलते हैं VIN, यानी कि वोल्टेज इनपुट, और जो कॉइल से होते हुए बाद में फिर आईसी में आएगा उसको हम बोलते हैं VSW, यानी कि वोल्टेज स्विचिंग। अब यहीं से एक डायोड लग करके ये एनोड वाली लाइन पे आउटपुट वाली लाइन में जो है ये जुड़ा रहेगा, और यहाँ से होते हुए ये जो है डिस्प्ले जैक पे चला जाएगा। तो इस लाइन पे BPH वोल्टेज भी होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पूरा टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि BPH भी आ रहा है, एनोड कैथोड भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी आपके मोबाइल में लाइट नहीं जलता है, तो उस कंडीशन में एक देखेंगे VLED एक एनेबल भी आता है जो PMI IC के अंदर से आ रहा है इस मॉडल में, ये भी लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। और कई बार जो इसमें एक देखेंगे डाटा क्लॉक की लाइन लगा हुआ है जो कि CPU से आता है, और इसमें जो है 2.2 का रजिस्टर लग करके ये आपको PMIC से 1.8 वोल्टेज LDO सेक्शन से आता है। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस डायग्राम के थ्रू भी आप अगर ट्रेसिंग करेंगे तो यह ट्रेसिंग हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसकी लाइट आईसी है कहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे तो GR चेक किया हूँ, यहाँ पे GR मिला नहीं इस लाइन का, तो आगे चेक करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्वाइल के पास GR मिलता है या नहीं मिलता है। ये क्वाइल ज़्यादातर या तो आपको लाइट आईसी के पास मिलेगा या तो ये डिस्प्ले जैक के पास मिलता है। तो यहाँ से हम चलते हैं देखेंगे, तो ये एरिया जो है हमारा लाइट लाइट आईसी का आता है, ये हमारा लाइट आईसी है, और ये देख सकते हो ये जो है ये क्वाइल है और ये हमारा डायोड है। अब यहाँ से हम बात करें तो ये हमारा कॉइल होगा जो कि एनोड का होगा, और ये दो जो होगा वो कैथोड का होगा। तो कैथोड तो मेरा GR आ ही रहा था, तो कैथोड में तो हम GR चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधी सी एक बार जो है आपको इस आईसी का इनपुट वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं सिर्फ बैटरी लगाऊंगा और इस आईसी पे जो है इनपुट वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं DC पे, और इस क्वाइल पे हम अगर चेक करें देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज तो आ रहा है, और यहाँ से ये लाइन जो है इस पे देखोगे तो ये आउटपुट भी हो रहा है, यहाँ पे भी आउटपुट हो रहा है, बट ये वोल्टेज हमारा जो है वो डिस्प्ले जैक पे जाना चाहिए था जो कि अभी नहीं जा रहा होगा लाइन मिसिंग होने के कारण। देखिए हम इस लाइन पे यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो कुछ मिली वोल्ट आ रहे हैं, इससे तो काम होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हमें अगर ये लाइन ओके भी होगा, तो दोस्तों कई बार आपके पास डायग्राम नहीं होता है तो सीधा सीधी आप बैटरी को लगा दें और डिस्प्ले जैक पे 4 वोल्ट की सप्लाई को चेक करें, वो हमारा एनोड लाइन होता है। तो मैं यहाँ पे GR चेक करूँगा एक बार, मल्टीमीटर को मैं लगा देता हूँ डायोड मोड पे। दोस्तों ज़्यादातर करके ये एनोड या कैथोड लाइन ही ओपन हो जाता है वाटर डैमेज वगैरह के कारण। देखेंगे तो यहाँ तो GR आ रहा है मेरा, इधर के साइड भी GR आ रहा है, तो ये IC को फ़िलहाल तो हम अभी टच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे GR हमारा आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एनेबल लाइन का भी GR, यहाँ पे देख सकते हो एनेबल लाइन का भी GR आ रहा है, एनेबल लाइन का भी GR आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा लाइन तो ये ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक में देखो GR नहीं आ रहा था, यहाँ से यहाँ के बीच में GR नहीं आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हम स्क्रैच करते हैं और यहाँ पे जम्पर लगाने का कोशिश करते हैं, वहाँ से एक जम्पर लेकर के मैं जम्पर वायर को थोड़ा सा स्क्रैच करूँगा पहले। दोस्तों कई बार होता है कि आपको एनोड और कैथोड लाइन सबसे ज़्यादा मिसिंग होता है, और टेक्नीशियन ज़्यादातर जो है लाइट आईसी पे ही काम करते हैं, बूस्ट कॉइल चेंज करने लगते हैं।
एक बार हम इस पे जीआर चेक करते हैं। देखो जीआर आ चुका है अभी इस पे। देखो कई बार आपको जंपर लगाते समय एक बात याद रखना है कि ये शॉर्ट ना करे एक दूसरे बॉल पे। कई बार चार्ज ये जो जेक है वो भी जला देते हैं बहुत से टेक्नीशियन वगैरह, तो आपको थोड़ा पतली बीट का आयरन यूज करना है तो वो हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें सिर्फ बैटरी को कनेक्ट करूँगा और देखूँगा क्या हमारा वहाँ पर वोल्टेज आया या नहीं आया। अगर वहाँ पर वोल्टेज आ गया होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा लाइन ओके हो गया होगा। हालांकि जीआर भी आ चुका है, देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया। तो इस तरीके से हम जो है एनोड लाइन को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ इसको। देखो ये जो है लाइट जो है चला इसका, अभी जो है इस लाइन पे अगर हम बात करें वोल्टेज का तो अभी वोल्टेज जो इस पे बनना चाहिए तो देखो मैं वोल्टेज भी चेक करा दे रहा हूँ। अभी देखेंगे कि इसकी वोल्टेज जो है ऑलरेडी इसका बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कैथोड पे भी इसका जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये फ़ोन का लाइट का जो है सोल्यूशन हुआ। दोस्तों अगर आप इस तरीके से ही अगर ट्रेसिंग करोगे तो वो लाइट प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा। ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम वो कैथोड और एनोड लाइन से ही आते हैं। अगर आप पहला ही रिपेयरिंग टाइम में अगर फर्स्ट आप जीआर से चेकिंग करो, उसके बाद सर्किट का थोड़ा सा आपके पास अंदाज़ा हो, सर्किट आपको आता हो, तो आप उस तरीके से फिर रिपेयरिंग, ज़रूरी नहीं कि हर मोबाइल का डायग्राम होना ही चाहिए, आप बोर्नियो से देख कर ही रिपेयर करो। आपके दिमाग में वो डायग्राम होना चाहिए, उसके अलावा आप आराम से रिपेयरिंग कर लोगे। तो अभी हम इसको वेट करते हैं पूरा ऑन होने का। अभी देखें ये ऑन हो रहा है, देखेंगे ये पूरा जो है इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड मालूम नहीं है। हालांकि ये देख सकते हो फ़ोन चालू हो गया। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ट्रेसिंग करनी है। एनोड लाइन कैसे पहचानेंगे, कैथोड लाइन कैसे पहचानेंगे, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताया हूँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।